स्वागत है स्टूडेंट। यहाँ पे क्वेश्चन है दैट कि एक इलेक्ट्रिक लैंप है जो कि रेजिस्टेंस 100 ओम का है, एक टोस्टर है जो कि रेजिस्टेंस 50 ओम का है, एक वाटर फिल्टर है जो कि रेजिस्टेंस 500 ओम का है, और इन सारे को कनेक्टेड इन पैरेलल। तो देखो, पहले तुम क्या करो कि एक लैंप जिसका रेजिस्टेंस कितना है, तो 100 ओम इसको लगाया। फिर एक टोस्टर मान लो इस तरह का, इसका रेजिस्टेंस कितना है, तो 50 ओम इसको लगाया। फिर एक वाटर फिल्टर, इसका रेजिस्टेंस कितना है, तो 500 ओम। ये तीन डिवाइस हमने आपस में एक साथ पैरेलल, देखो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन को दर्शाता है जो मैंने डायग्राम यहाँ बनाया, इनको लगा दिया। और एक सोर्स है जो कि 220 वोल्ट का बैटरी का मान लो एक सोर्स हमने यहाँ पर इस तरह से दे दिया, 220 वोल्ट बैटरी सोर्स हमने यहाँ पे दे दिया। तो हमसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन। अगर हम एक इलेक्ट्रिक आयरन लेते हैं, सपोज करो कि ये आयरन है, तो अगर हम लोग एक इलेक्ट्रिक आयरन लेते हैं और इस आयरन को सेम सोर्स से, कहने का मतलब सेम 220 वोल्टेज से कनेक्ट करते हैं, ठीक है, और इसमें उतना ही करंट जाता है जितना ये तीनों मिलकर के आपस में ले रहे थे, तो सेम दैट टेक्स एज मच करेंट एज ऑल दी थ्री अप्लाइंसेस एंड व्हाट इज दी करेंट थ्रू इट। सॉरी यहाँ पे मिसप्रिंट है, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ इट, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ इट। तो आपको ये बताना है कि उस आयरन का रेजिस्टेंस जो है वो कितना होगा। आई थिंक द क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। आपको क्या कह रहे हैं कि आपके पास तीन डिवाइसेस ऑलरेडी थे, एक का रेजिस्टेंस 100 ओम था, एक का 50 ओम था, एक का 500 ओम था। इन तीनों को पैरेलल में लगाया 220 वोल्ट के बैटरी से जोड़ दिया। अब यहाँ पर हमने क्या किया कि एक आयरन लिया और उस आयरन का कनेक्शन किया सेम सोर्स के साथ 220 वोल्टेज के साथ, और इसमें उतना ही करंट जा रहा है जितना उन तीनों में मिला करके टोटल जा रहा था। तो बताइए इस आयरन का रेजिस्टेंस क्या होगा। तो देखिए, इसको बनाने के लिए सबसे पहले जो काम हम लोग करने वाले हैं वो हम लोग टोटल रेजिस्टेंस निकालने वाले हैं इस सर्किट का, क्योंकि टोटल रेजिस्टेंस आएगा तभी टोटल करंट आएगा, और जब तक टोटल करंट नहीं आएगा आप इसका रेजिस्टेंस नहीं निकाल सकते। क्लियर है? तो जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहाँ पे यूज होने वाला है वो है ओम्स लॉ, और ओम्स लॉ होता है वी इक्वल्स टू आई आर। वी का मतलब वोल्टेज, आई का मतलब करंट, और आर का मतलब रेजिस्टेंस। तो अगर हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है और उसमें हमें टोटल रेजिस्टेंस निकालना होता है, तो हम लोग करते हैं 1/R टोटल या आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब यहां पर आपको R1 R2 R3 तो पता है, सो 1/100 प्लस 1/50 प्लस 1/500। अब इसकी एलसीएम ले लेते हैं, सो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू, एलसीएम हो जाएगी 500, 100 इंटू 5, 50 इंटू 10, 500 इंटू 1, 16/500। नाउ लास्ट में हमें रेसिप्रोकल करना होगा बिकॉज दिस इज 1/R इक्विवेलेंट, सो आर इक्विवेलेंट विल बी इक्वल्स टू 500/16 ओम। ये आपका टोटल रेजिस्टेंस है। तो ये आ गया, तो आपको करंट भी यहाँ पे पता चल जाएगा ओम्स लॉ से। देयर फोर करंट इज इक्वल्स टू वी अपॉन टोटल रेजिस्टेंस एंड द वोल्टेज इज 220 वोल्ट एंड टोटल रेजिस्टेंस इज 500/16। तो ये आपका करंट। अब इतना ही करंट आपको नया नया पार्ट जो है उसमें कह रहा था, नेक्स्ट पार्ट में कह रहा था कि आपके पास एक इलेक्ट्रिक आयरन है, उस इलेक्ट्रिक आयरन का रेजिस्टेंस बताइए। अगर हमने उसको एक बैटरी से जोड़ा, एक सोर्स से जोड़ा जो कि 220 वोल्ट है, और इसमें उतना ही करंट जा रहा था जितना तीनों में मिला करके, आप इसको सॉल्व कर लो पहले, ठीक है। तो ये 22 × 16/50, ठीक है, आप इसको ऐसे कर लो, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इससे फायदा क्या होगा, 22 × 16 × 32 / 50 × 2 = 100 हो जाएगा। तो इसमें आपको सिंपल 22 और 32 को मल्टीप्लाई करना रहेगा और डिवाइडेड बाय 100 करना रहेगा, तो आसान हो जाएगा।
So 22 upon 22 into 32, 22 into 32, which is 704 divided by 100, तो 7.04 ओम ये रेजिस्टेंस है। तो यहां पर देखो आपको बोला था कि सॉरी रेजिस्टेंस नहीं, ये करंट है एम्पियर। तो आपको बोला था नया पार्ट में कि आप एक ऐसा आयरन ले रहे हो जिसका रेजिस्टेंस आपको नहीं पता, बट उसमें कितना करंट जा रहा, तो उतना ही करंट जा रहा जितना टोटल तीनों में मिला करके जा रहा था, और वोल्टेज हमने दिया था 220 वोल्ट का। तो देयरफॉर फिर से ओम्स लॉ लगाएंगे और वी अपॉन आई करेंगे तो आर आ जाएगा। V कितना है 220 और I कितना है 7.04, तो 220 बाई 7.04 अगर करते हैं यहाँ पे 220 अपॉन 7.04 तो ये आ रहा 31.25 ओम। सो दिस इज द रेजिस्टेंस फॉर द आयरन। तो देखो ये जो आया है वैल्यू आर इक्विवेलेंट जो यहाँ पर आया है, ये आर इक्विवेलेंट 500 बाई 16, ये भी कितना है 31.25, और जो आयरन का रेजिस्टेंस आया है ये भी कितना है 31.25। इसका ये मतलब हुआ कि जो टोटल तीनों का मिला करके जितना रेजिस्टेंस है, अगर उतना ही रेजिस्टेंस उस आयरन का है तो वो भी उतना ही सेम करंट लेगा जो तीनों मिला करके ले रहा था। तो आप डायरेक्टली वहां से भी आंसर बता सकते थे कि आयरन का जो रेजिस्टेंस होगा वो 31.25 होगा, आपको आई निकालने की जरूरत नहीं पड़ती और फिर फाइनली लास्ट में ओम्स लॉ लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। लॉजिकली अगर देखे तो ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप दैट दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।